डेफिनेटली हार्डवर्क तो हर चीज़ के पीछे था और एक माइलस्टोन था जो कि सोचा हुआ था कि मैं 100 विकेट्स जल्द से जल्द एज अ पाकिस्तानी बॉलर मैं फटाफट इसको कंप्लीट करूं। काफ़ी कोशिश थी इसमें कि इसी सीरीज़ या लास्ट सीरीज़ में पूरी कर लेती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट सीरीज़ में पूरी नहीं कर सकी। लेकिन मैंने स्टार्ट यही सोचा था कि मैं अपने 100 विकेट्स लेके करूंगी इंशाल्लाह इसी मैचेस इन्हीं T20s में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैच उस कंडीशन में ख़त्म नहीं हुआ एक्चुअली जिसमें हम चाह रहे थे। लेकिन फॉर द नेक्स्ट टाइम जो भी नेक्स्ट मैचेस आएंगे इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि मैं पाकिस्तान को मैचेस जितवाऊँ। काफ़ी विंडी है यहाँ पे और बारिश बार बार होती रही है और फोरकास्ट इस तरह की है यहाँ पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पिच को देखा जाए तो फेवर में है बॉलर्स के भी और बैटर्स के भी। जो भी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांगली आएगा वो यहाँ पे ज़रूर स्कोर भी करेगा और बॉलिंग भी अच्छी करेगा। मुझे पसंद आई है ये जगह, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैचेस में जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। बॉलर्स ने अच्छा स्टार्ट दिया हमें, बॉलर्स ने अगर एज अ बॉलर देखा जाए तो सब बॉलर्स ने हमें बैटन पीसेस में जो भी बॉल की है बहुत अच्छी बॉल की है, और मेरा ख्याल है 136 का टारगेट एक चेजेबल टारगेट था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बॉलर्स ने रोक के भी दिया हमें। तो मेरा ख्याल है कि बैटर्स को थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और बेसिक्स पर रह के ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इसी में थोड़ी कमी हमें नज़र आई है। अगर हम फील्डिंग भी देखें तो हमने ओवरऑल फील्डिंग भी बेहतर की है, कैचेस भी अच्छे किए हैं, तो आई गेस बैटर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और यही इसकी एक की है।